नमस्कार दोस्तों, मैं बैजनाथ सोनी आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल JSSC मेकर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास, और आज के क्लास में लेकर आए हैं मौस, और ये मौस का दूसरा वीडियो है। यदि आप मेरे पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं, और ये आज के क्लास में पहला क्वेश्चन है 24, 30, 42 का मौस ज्ञात करें। तो इसमें मौस निकालने का जो तरीका है उसमें है कि सबसे इसमें से देखना है क्या सबसे छोटी संख्या, जैसे 24, 30, 42 में सबसे छोटी संख्या क्या है, तो वो है 24। तो सबसे पहले हम लोग 24 को लिखेंगे, 24 से बड़ी संख्या है 30, तो इस पर क्या करेंगे भाग देंगे, कितना बार में जाएगा एक बार में। अब 30 में 24 कम करेंगे कितना बचेगा 6। अब ये जो संख्या है उसको यहाँ पर भाग देंगे कितना बार में, 4 बार में 24, ये घट के क्या होगा 0। अब ये संख्या इस पर भाग देंगे 42 पर, पहले 6 लिखेंगे अब ये 42, कितना बार में जाएगा 7 बार में 42, 7 6 42, ये घट के क्या हो गया 0। कब तक हम लोग को भाग देना है, जब तक कि शेष में 0 ना आ जाए, तो 0 आ गया इसका मतलब खत्म, इसलिए मौसम बराबर क्या होगा, यहाँ वाला संख्या होगा मौसम बराबर क्या है 6। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, दूसरा में क्या है 30, 54, 63 का मौस निकालना है, जिसमें वही काम है सबसे छोटी संख्या की लिखेंगे, उससे फिर बड़ा में भाग देना है बड़ी संख्या में, फिर उससे बड़ी और रहता तो सेम वही प्रोसेस आगे होता, लेकिन ऐसा तीन ही संख्या है तो इसको हम लोग तीन ही तक देखेंगे। ये दूसरा का, ये दोनों में छोटी संख्या क्या है, क्या है 36, और 36 से बड़ी संख्या 54, कितना बार में जाएगा ये एक बार में 36। अब 54 में 36 कम करें कितना बचेगा 18, उसके बाद फिर से लिखेंगे क्या चीज 36, कितना बार में जाएगा दो बार में 36, ये घट के क्या हो गया 0। अब ये 18 को लिखेंगे, अब भाग देंगे क्या चीज 63 से, ये 63 पर भाग देना है कितना बार में जाएगा 3 बार में, 18 3 54। अब ये 63 में 54 कम करें कितना बचेगा 9, अब ये संख्या लिखें कितना है 18, कितना बार में जाएगा दो बार में 18, ये घट के क्या हो गया 0, इसलिए मौसा बराबर क्या निकल का आया, कौन सा संख्या होगा ये कितना है 9। आइए आज का दूसरा प्रश्न, इसमें मौसा ज्ञात करना है। पहले जो हम लोग प्रश्न देखे उससे ठीक अलग है, इसमें क्या है 2 × 2 × 2 × 3 × 5 और 2 × 2 × 2, ये 4 बार लिखा हुआ है, गुना 3 का मौस ज्ञात करना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान है, आप लोग वीडियो में बने हुए रहिएगा। चलिए बनाते हैं दूसरा का पहला सवाल, ये इसको सबसे पहले लिखेंगे 2 × 2, ये कितना बार, ये 2 है 3 बार, गुना 3 × 5। अब ठीक इसके नीचे ये जो हम लोग लिखे इसके ठीक नीचे इसको लिखेंगे 2 × 2 × 2, ये 4 बार है, गुना 3। अब क्या करेंगे, दोनों से कॉमन मतलब जोड़ा लगाएंगे, साधारण समझिए जो जोड़ा लगेगा वही हो जाएगा मौस। ये 2 का जोड़ा लगा, इसमें भी 2 का जोड़ा लगा, ये 2 का जोड़ा लगा, अब 2 तो यहाँ है यहाँ पर नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, 3 यहाँ पर है आपस में जोड़ा लग गया, 5 यहाँ पर है यहाँ नहीं है नीचे इसको छोड़ देंगे, इसलिए मौस बराबर क्या होगा, जो जोड़ा लगा उसी को लिखेंगे। यहाँ से 2 निकलेगा 1, यहाँ से भी ये 2 आएगा, यहाँ से ये 2 आएगा, और यहाँ से ये 3 आएगा, तो मौसा हम लोग को ये मिल गया मान। यदि ऑप्शन में ऐसा रहेगा तो ऐसे ही निकालेंगे, और नहीं तो कोई संख्या रहेगा तो इसको क्या करेंगे आपस में गुना, जैसे 3 × 6, 6 × 12, 12 × 24, तो ये मौसा निकल का आगे 24, या तो फिर ये दोनों सही है। अब देखते हैं दूसरा, इसी का दूसरा का दूसरा, ये सबसे पहले इसको लिखेंगे जो दिया है, यहाँ पर है 2 × 3 × 7 × 9, इसके नीचे इसको लिखेंगे, ये कोमा में है 2 × 3 × 9 × 11, अब इसके नीचे इसको लिखेंगे 2 × 3 × 4 × 5, इसमें भी सेम काम करेंगे, इससे पहले हम लोग देखे थे 2 था 2 पद, अब इसमें 3 है, इसमें क्या करेंगे जोड़ा वही लगाएंगे, ये 2 का जोड़ा लगा, इसमें 3 का जोड़ा लगा, इसमें क्या आप जोड़ा लग सकते, 7 है यहाँ पर, ये दोनों में है ही नहीं, यहाँ पर 9 है तो इसमें दोनों में है नहीं, यहाँ पर 11 है तो सब में दोनों में है नहीं,
पाँच भी सेम वैसे ही, यह समय है ही नहीं, तो बस मौ से इतना ही निकल गया, इसलिए मौसम बराबर क्या होगा, दो गुना तीन, या इसी को छः लिख सकते हैं। यदि ये सब जोड़ा लगता तो लिखते हैं, लेकिन नहीं लगा तो छोड़ देंगे। अब देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न, और ये तीसरा प्रश्न उससे थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है, दो का पावर तीन गुना तीन का पावर दो, मतलब तीन के स्क्वायर, यहाँ पर पाँच का पावर चार। इसी प्रकार इधर है, दो के स्क्वायर गुना तीन के स्क्वायर गुना पाँच गुना सात का मौसम ज्ञात। तो इसका मौसम निकालना है, तो मौसम निकालने के लिए सेम वही तरीका है। इसको सबसे पहले लिखेंगे दो का पावर तीन गुना तीन का स्क्वायर गुना पाँच का पावर चार। इसके नीचे इसको लिखेंगे दो का स्क्वायर गुना तीन का स्क्वायर गुना पाँच गुना सात। अब इसमें क्या करेंगे, वैसे ही जोड़ा लगाएंगे। यहाँ पर दो का पावर दो है, यहाँ पर दो का पावर तीन है, तो ये तो बराबर नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये अधिक वाला पावर छोड़ के कम वाला लेंगे। इसका मतलब हुआ दो का पावर दो, यहाँ से दो का पावर दो निकालेंगे तो दो बचेगा, इसलिए मौसम बराबर क्या होगा, यहाँ पर दो का पावर दो ये दोनों से निकला। अब यहाँ पर सेम दोनों समान है, दोनों का पावर संख्या भी समान है, तो इसको क्या करेंगे, तीन का पावर दो तीन का स्क्वायर। अब गुना यहाँ पर पाँच, यहाँ पर पाँच का पावर चार है, तो चार तो नहीं ले सकते, जब भी लेंगे तो कम वाला लेंगे, मतलब पाँच लेंगे। ऐसे इसका पावर एक रहता है, कुछ नहीं तो एक रहता है, तो यहाँ पर क्या होगा पाँच। ये सात यहाँ पर है, ऊपर है नहीं, तो इसको छोड़ देंगे, तो मौसम बराबर ये आ गया। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे निकालेंगे तो इसको दो बार लिखेंगे, दो गुना दो, इसको क्या करेंगे तीन गुना तीन करेंगे, तीन गुना दो नहीं करते हैं, गुना पाँच, इसको गुना करेंगे, पाँच तिया पंद्रह, पंद्रह तिया पैंतालीस, पैंतालीस दुना नब्बे, नब्बे दुना एक सौ अस्सी। इस प्रकार से हम लोग का मौसम निकल का है 180, या तो फिर इसको लेंगे, दोनों सही है, जैसा ऑप्शन रहेगा उसी प्रकार से निकालेंगे। इस प्रकार से आज के क्लास में हम लोग मौसम सीखें, और ये मौसम का दूसरा वीडियो है। आपको ये कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और हाँ आप नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।